हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट टू इंग्लिश ऑनर्स की एक समरी प्लेजर के बारे में, और इसके साथ ही जी नोट्स भी दिया जाएगा जिसको आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। प्लेजर का मतलब है सुख, जो कि आज के टाइम में हर इंसान इसे खोते जा रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है, जो कि सच भी है। प्लेजर एक ऐसे है जिसे एल्डलस हॉक्सले के द्वारा लिखा गया है। हॉक्सले आज के टाइम के फेमस एसिएस्ट में से एक हैं, जिनका जन्म 1894 और मृत्यु 1963 में हुआ था। हॉक्सले का पूरा नाम एल्डलस लियोनार्ड हॉक्सले था। इस एसे में हॉक्सले हमारे पूर्वजों और आज के टाइम के इंसानों यानी कि हम लोगों के बीच के डिफरेंस को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पहले इंसानों की ज़िंदगी सुखों से भरी थी और आज किस तरह सभी की लाइफ में सुख नहीं है, क्योंकि आज के इंसान मशीनों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। आज के इंसान हर चीज़ रेडीमेड यूज करते हैं और पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो चुके हैं। इस वजह से हम अपने नॉलेज का यूज नहीं कर पाते हैं और अपना सारा काम मशीनों से ही करते हैं, अपने इंटेलिजेंट प्लेजर का यूज़ नहीं करते हैं और रेडीमेड चीज़ों से ही सुख पाने की उम्मीद करते हैं। आज के बदलते हुए टाइम लोगों की सोच को बदल दिया है। राइटर का मानना है कि आज के टाइम में सुख है ही नहीं, क्योंकि इंसान पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो चुका है और इस वजह से हम मशीनों के कंट्रोल में आ चुके हैं। आज के टाइम में लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह के साधन का यूज किया जाता है। हर क्षेत्र में लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा, खेलकूद, मुक्केबाजी, नाटकों जैसी चीज़ों का यूज किया तो जा रहा है, लेकिन ये सब आज के टाइम में रेडीमेड है। राइटर का मानना है कि इस तरह का मनोरंजन हमारे सिविलाइजेशन के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस तरह के मनोरंजन में सिवाय कुछ लोगों के बाकी सब सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। आज के टाइम में लोग खुद न खेलकर दूसरों के खेल देखकर खुश होते हैं, किसी और की बनाई हुई फिल्म, मूवी, कार्टून वीडियो को देखकर खुश होते हैं। लेकिन प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अपना मनोरंजन खुद करते थे, अपना खेल, अपना गाना, अपनी धुन और अपना डांस खुद बनाते, गाते और नाचते थे। पर आज के टाइम में ये सब कुछ मशीन से बना बनाया मिलता है या फिर कुछ लोगों की मेहनत होती है और हम बस आंखें खुली रखकर उसे एंजॉय करते हैं। आगे राइटर बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शेक्सपियर के नाटकों को समझना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी लोग शेक्सपियर के नाटकों को समझते थे और उनका आनंद लेने के लिए खुद की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती थी और लोग उसके लिए कोशिश भी करते थे, और इस तरह से लोग कुछ ना कुछ नया खुद से करते रहते थे, क्योंकि उस टाइम में सब कुछ खुद से करना पड़ता था। आज के टाइम के जैसा वो टाइम नहीं था कि लगभग सारा काम मशीन से ही हो, पर आज ये सब बदल गया है। अब हर कोई ग्राहक या दर्शक बनकर रह गया है। आगे राइटर बताते हैं कि जिस तरह किसी यूज करने वाले सामान को फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही आज के टाइम के मनोरंजन आनंद प्लेजर को काफ़ी हद तक बनाया जा रहा है, जो कि हमारे सिविलाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा राइटर ये भी बताते हैं कि आज के टाइम में लोग न्यूज़पेपर को भी सही से नहीं पढ़ते हैं और अपना सही टाइम नहीं देते हैं। न्यूज़पेपर में लिखी लाइनों को इतनी जल्दी से पढ़ते हैं कि समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जो आसानी से समझ में आ जाए वही काफ़ी होता है, क्योंकि अब हमें हर चीज़ मशीनों से क्लियरली बनी बनाई मिलती ही है और इस वजह से हम उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन हमारे पूर्वज किसी भी चीज़ को खुद से समझने की कोशिश करते थे। इस तरह से हमारे पूर्वज लाइफ को सुख के साथ जीते थे और अपना मनोरंजन खुद करते थे। लास्ट में राइटर बताते हैं कि वह इस तरह के प्लेजर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें इंटेलिजेंट प्लेजर को इस मशीन की दुनिया में पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।
हमें किसी भी काम में अपना नॉलेज यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम मशीन पर डिपेंड रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब रेडीमेड चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रेडीमेड चीज़ों को बनाने वाले भी बहुत कम लोग हैं। जैसे खेल खेलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पर देखने के लिए बहुत लोग, और कुछ तो सिर्फ खेल के बारे में सुनकर ही खुश हो जाते हैं। यही हाल नाचने गाने की भी हो गई है, जिसे बस हम सुनकर देखकर प्लेजर की उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर हम सुख के लिए परेशान होते रहेंगे।